श्रावण पूर्णिमा व रक्षाबंधन को लेकर बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के शिवालयों में उमड़ी भीड़। बताते चले कि बेंगाबाद पंचायत के फुरसोडी गांव स्थित परमालौकिक जगन्नाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अहले सुबह से ही बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण कर लोगों ने विधिवत पूजा पाठ किया। बताया जाता है यहाँ की मांगी हुई मन्नतें पूरी होती है, यही कारण है कि लोग दूर दराज से भी लोग आते हैं। बताया जाता है यहाँ के स्थानीय ग्रामीण व आसपास के लोगों की काफी तादाद में ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालु भी आकर के बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर जाते हैं। इधर आज सावन पूर्णिमा होने को लेकर मंदिर के व्यवस्थापक के द्वारा विशेष इंतजाम किए जाने की बात बताई जा रही है। बताया जाता है कि दिन भर बाबा भोलेनाथ के जलार्पण व विधिवत पूजा पाठ के बाद संध्या को भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित करने की बात बताई गई है। इधर दिन भर श्रद्धालुओं का जत्था लगातार अनवरत लगा रहा, वहीं शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजन करने की बात मंदिर के संस्थापक ने कही। इधर जेडी फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा विधिवत पूजा पाठ कर बाबा भोलेनाथ से सुखी संपन्न की कामना भी किया। मौके पर काफी तादाद में लोग मौजूद थे। बताया जाता है जेडी फाउंडेशन के मिथिलेश कुमार, रूबी कुमारी, उप मुखिया छबिया देवी, प्रेम कुमार माही, फूल कुमारी, शिवम कुमार, दिवाकर कुमार, प्रभाकर कुमार, भास्कर कुमार, मंदिर की पुजारिन परमिला देवी, महादेव मंडल आदि के द्वारा व्यवस्था की गई थी। इधर बढ़ते भीड़ को देखते हुए कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर सोशल डिस्टेंस का भी फॉलो किया गया और एक दूसरे के साथ ज़्यादा भीड़ न करने की बात कही। बारी बारी से लोगों ने विधिवत पूजा पाठ किया। इस दौरान काफ़ी तादाद में श्रद्धालु भी एकत्रित हो गए थे। बताया जाता है बेंगाबाद के परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। जी नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो जय।